हेलो, कैसे हैं आप सब? यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल बिलॉजिकल एंड दिस इज मी मोहित लिसारी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक प्रिंसिपल के बारे में, दैट इज रेस जुडिकाटा। सेक्शन 11 सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड का बोलता है रेस जुडिकाटा के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था रेस सबजुडाइस के बारे में। इन दोनों में मोटा मोटा सा डिफरेंस हम ये देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। रेस सबजुडाइस एक तरह से सूट होता है, मतलब एक रेस सबजुडाइस का डॉक्ट्रिन जहां अप्लाई हो जाता है वहां पर किसी भी सब्सिक्वेंट सूट में स्टे रख जाता है। मतलब कोई भी सूट है वो पहले किसी कोर्ट में, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में चल रहा है, पेंडिंग है, तो सेम पार्टी सेम इशू को लेकर उसे कोर्ट में दाखिल नहीं कर सकती वहां पर, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रेस सब्जुडाइज एप्लीकेबल हो जाएगा कि भाई ये सूट तो ऑलरेडी मतलब सूट कोर्ट में चल रहा है, वहां पर स्टे लग जाएगा उस सूट पे, स्टे ऑफ सूट सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। हमारे पास आ जाता है सेक्शन 11 जिसमें बात होती है रेस जुडिकाटा की। इसमें यह डिफरेंस है कि जो सूट किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा और मतलब सेम पार्टी ने कोई सूट फाइल किया था, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा वो डिसाइड कर दिया गया है, डिसाइड हो चुका है, अब वो वापिस से सेम पार्टी द्वारा सेम इशू को लेकर के सेम कोर्ट में नहीं डाला जा सकता, वहां पर प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। मतलब वो सूट डालने से, सब्सिक्वेंट सूट डालने से आप बार हो जाओगे। तो दोनों में मोटा सा डिफरेंस ये है, रेस सबजुडाइस में मैटर पेंडिंग था, रेस जुडिकाटा में मैटर कोर्ट में डिसाइड हो चुका है ऑलरेडी। इन दोनों में ये डिफरेंस है। हमारे सामने केस आया है इफ्तिकार अहमद वर्सिद सैयद मेहरबान अली, 1974 सुप्रीम कोर्ट का केस है। होता क्या है इसमें मोटा सा क्वेश्चन ये उठा है कि वेदर द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा कैन बी एप्लीकेबल ऑन कोप्लेंटिव्स। कोप्लेंटिव पे क्या रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल जो है एप्लीकेबल हो सकता है कि नहीं, ये क्वेश्चन उठा है इसमें मोटा सा। अब होता क्या है, इस केस के फैक्ट ऐसे हैं कि एक जमीन को लेकर के विवाद होता है, मतलब एक जमीन जिसकी ओरिजिनल पोजीशन जो होती है वो एक बुनियाद अली नामक इंसान के नाम पे होती है। अब बुनियाद अली के नाम पे वो जमीन होती है, बुनियाद अली के चले जाने के बाद वो उसे उसके बेटे को मिल जाती है, उसके बेटे के चले जाने के बाद में वो उसकी विडो को मिल जाती है, बेटे की बहू जो होती है। अब जब वो विडो से भी वो जमीन उसे त्याग देती है बाय मतलब अपनी विश के अकॉर्डिंग उसको रेलिंक्विज्ड कर देती है वो विडो लेडी जो होती है जमीन को, और वो ऑटोमेटिकली इफ्तिकार अहमद के पास में, ये जो है इफ्तिकार अहमद, इसके पास में उस जमीन की पोजेशन आ जाती है, उसका टाइटल आ जाता है, ठीक है। और इफ्तिकार अहमद बाय एडवर्स पोजीशन भी उस जमीन को, उस जमीन पर अपना टाइटल, अपना इंटरेस्ट को क्लेम करता है, ठीक है। दूसरी रील में होते हैं दो व्यक्ति, मेहरबान अली, ये वाला मेहरबान अली और कानिज फातिमा, ये दोनों होते हैं, ये दोनों भी उस जमीन पर अपना टाइटल, अपना क्लेम को मतलब इन्फ्लिक्ट करते हैं कि भाई इस जमीन पर हमारा भी हिस्सा है। इफ्तिकार अहमद पहले ही कह देता है कि इसका मैं एक्सक्लूसिव ओनर हूं, और बाय एडवर्स पोजीशन भी वो इस जमीन को क्लेम कर देता है अपने फर्म में कि मेरा ही टाइटल है इस पे। अब कोप्लेंटिव होते कैसे हैं, कोप्लेंटिव कहां, मतलब देखो जैसे कि सपोज कोई भी मैटर है, ये एक सपोज ये मैटर है कोई, ठीक, इसको लेकर के विवाद है और इस पे एक व्यक्ति अपना हक जमा लेता है, और साथ में इसी के साथ में इसके साथ कन्फ्लिक्ट होने पर इस व्यक्ति के साथ में और लोग भी आ जाते हैं इसी इश्यू को लेकर के, तो यहाँ पर ये कोप्लेंटिव बन जाते हैं। तो ऐसे कोप्लेंटिव है, तो कानिज फातिमा और मेहरबान अली कोप्लेंटिव है यहाँ पे। अब वो अपना टाइटल को क्लेम करते हैं, इसमें इफ्तिकार अहमद, मेहरबान अली और कानिज फातिमा इस मैटर को लेकर कंसोलिडेशन ऑफिसर के पास में जाते हैं कि भैया डिसाइड करके बताओ व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस। देन वो, क्योंकि मैटर होता है टाइटल ऑफ पोजीशन ऑन दैट प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड, तो उस मैटर को वो रेफर कर देते हैं सिविल जज मेरठ के पास में। अब सिविल जज मेरठ जो है उस मैटर को डिसाइड करने के लिए आर्बिट्रेटर के पास भेज देता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड अंडर द उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग 1953 एक्ट, उसके अकॉर्डिंग वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ होता है। अब जब आर्बिट्रेटर के पास मामला भेज दिया, आर्बिट्रेटर क्या कहता है, आर्बिट्रेटर कहता है कि
मेहरबान अली और कनिज फातिमा का कोई टाइटल नहीं है उस पे, उस प्रॉपर्टी पे जो कि इफ्तिकार अहमद का एक्सक्लूसिव पोजीशन दिखा रही है, ना ही वो को-भूमिदार हैं उस प्रॉपर्टी के, तो इनका उसमें कोई हिस्सा नहीं है। इस टाइटल को वो इनका होने से इनकार कर देते हैं और इस फाइंडिंग को देने, और वो एक हाई कोर्ट का जजमेंट होता है इलाहाबाद का, उस पर रिलाई करते हुए ये कहते हैं कि इस पर प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा भी अप्लाई होगा, ऐसा कह देते हैं जो आर्बिट्रेटर होता है। अब दोनों ही पार्टी उस आर्बिट्रेटर के, जो वो आर्बिट्रेटर अपना अवार्ड देती है उससे, मतलब उसके अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन फाइल कर देते हैं सिविल जज मेरट के पास में। ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद में सिविल जज मेरट कहते हैं कि ऑन विच डिसीजन आर्बिट्रेटर वॉज रिलाइड, दैट वॉज मतलब हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के जिस डिसीजन पर वो रिलाइड हुआ था आर्बिट्रेटर लास्ट वाले केस में, वो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा को अप्लाई करता ही नहीं है, मतलब इस टाइटल ऑफ पोजीशन के मामले में ऑन द प्रॉपर्टी। तो वो कह देता है कि आर्बिट्रेटर दैट पर्टिकुलर डिसीजन विच वॉज गिवन बाय दैट आर्बिट्रेटर वॉज मैनिफेस्टली रॉन्ग एंड दैट वॉज विशिएटेड बाय एन एरर ऑफ लॉ ऑन द फेस ऑफ इट। वो कह देता है कहीं ना कहीं इसमें एरर था, लॉ का साफ साफ दिख रहा है जो हाईकोर्ट के जजमेंट का जिस डिसीजन पर आर्बिट्रेटर रिलाई हुआ था वो रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल को टाइटल ऑफ पोजीशन पर एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक। और वो मना कर देता कि जो सिविल जो आर्बिट्रेटर था वो कहीं ना कहीं गलत था उस फाइंडिंग को देने में, क्योंकि यहाँ हाईकोर्ट ऑफ इलाहाबाद का वो डिसीजन रेस जुडिकाटा पे अप्लाई होता ही नहीं है, तो वो आर्बिट्रेटर की उस फाइंडिंग को साइड रख देता है और फ्रेश डिसीजन के लिए एक आर्बिट्रेटर के पास में दोबारा से भेज देता है। अब जो ये नए वाला आर्बिट्रेटर होते हैं ये कहते हैं कि जो जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट था जिस पर पहले वाले आर्बिट्रेटर रिलाई हुए थे वो कहीं भी टाइटल ऑफ पोजीशन हो ऑन प्रॉपर्टी पर रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करता है, और वो ये कह देता है कि इफ्तिकार वो मेहरबान अली और कनिज फातिमा को भूमिदार हैं, उनका प्रॉपर्टी पर शेयर है, वो ये कह देता है। इसके एवज में ऑब्जेक्शन फाइल किया जाता है इफ्तिकार अहमद द्वारा सिविल जज के पास में। सिविल जज कह देता है देर इज नॉट एनी मैनिफेस्ट एरर ऑन द फेस ऑफ इट एंड नॉट एनी इलीगैलिटी, जो अवार्ड दिया गया है और उस अवार्ड को कन्फर्म कर देता है जो नए आर्बिट्रेटर का अवार्ड होता है। अब जब सूट पेंडिंग होता है इफ्तिकार अहमद का स्वर्गवास हो जाता है, वो चले जाते हैं। अब उनके बयान पर यहाँ पर रील में जो आते हैं वो आते हैं उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो उनका केस लड़ते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास में मामले को मतलब दाखिल करते हैं, उस मामले को डिस्ट्रिक्ट जज के पास में भेजते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज कहता है कि जो आर्बिट्रेटर है कहीं ना कहीं रॉन्ग थे, ठीक, कहीं ना कहीं मतलब देर इज अ एरर ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ दिस रिकॉर्ड कहीं ना कहीं एरर है, क्योंकि जो जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट था जिस पर वो रिलाई हुए थे वो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा को अप्लाई करता है, ऑपरेटेड एज रेस जुडिकाटा ऑन द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट जज कह देता है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की उस अपील को वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके एवज में रेस्पोंडेंट हाई कोर्ट के पास में अपील डालता है, वहाँ पर उसको मतलब एक रिवीजन अपील को फाइल करता है कि कहीं ना कहीं से देखा जाए डिस्ट्रिक्ट जज के मैटर को। तो इसमें उस रिवीजन अपील में हाई कोर्ट जो है उस मैटर को क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के मैटर को जो उसने डिसीजन दिया था वो उसे रिवर्स कर देता है और सिविल जज ने जो फाइंडिंग दी थी कंफर्मिंग दैट अवार्ड उसको अपहेल कर देता है। मतलब डिस्ट्रिक्ट जज ने क्या कहा था कि ऑपरेट होगा रेस जुडिकाटा ऑन द टाइटल ऑफ द पार्टी टू द प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रिक्ट जज ये कहता है, लेकिन हाई कोर्ट यहां पर सीजे चीफ वो जो सीजे होता है सिविल जज जो होता है उसके अवार्ड को कंफर्म कर देता है, उसके जजमेंट को कंफर्म कर देता है कि रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। तो अब यहां मुद्दा उठता है कि जो को प्लेंटिफ है जो कि यहां पे हमारे बीच में को भूमिदार है मेहरबान अली और कानिज वादिमा, क्या इन पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा इस केस में, क्या वो सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकते हैं कि नहीं, को प्लेंटिफ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो सकता है कि नहीं, मामला स्पेशल लीव के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पास में जाता है हाई कोर्ट के डिसीजन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट जो है इन दोनों केस में मतलब इस वाले केस में दो केस के फाइंडिंग देखता है। पहला केस
शिवपार्षद सिंह वर्सेस राम नंदन प्रसाद नारायण सिंह 1916 का केस, जिसमें प्रीवी काउंसिल ने अपना मतलब डिसीजन दिया था। दूसरा केस होता है चंदूलाल वर्सेस खलीलुर रहमान, ये 1950 का होता है, इसमें प्रीवी काउंसिल ने अपना डिसीजन दिया था। अब होता क्या है इस वाले केस में, शिवपार्षद वाले केस में जो है प्रीवी काउंसिल ये कहती है कि अगर हम रेस जुडिकाटा की फाइंडिंग को देख रहे हैं, अगर उसे डिसाइड कर रहे हैं, सिर्फ हम इस मैटर को, रेस जुडिकाटा को सिर्फ टेक्निकल कंसिडरेशन के आधार पर नहीं दे सकते, जो मैटर इन सब्सटेंस है, मैटर इन सब्सटेंस के बिहाव पर वी हैव टू इंटरप्रिटेट दिस मैटर। ये प्रीवी काउंसिल कहती है कि सिर्फ टेक्निकल कंसिडरेशन नहीं चलनी चाहिए, मैटर इन सब्सटेंस होना चाहिए, उसके बिहाव पर डिसाइड करेंगे। इस वाले केस में कहती है, चंदूलाल वाले केस में प्रीवी काउंसिल ये कहती है कि ये रेस जुडिकाटा जो डॉक्ट्रिन है ना, ये वहां भी अप्लाई हो सकता है जहां पर पार्टी ने सूट फाइल किया हो और उसके जो अगेंस्ट पार्टी है यानी रेस्पोंडेंट या डिफेंडेंट जो भी है वो उस सूट में, उस प्रीवियस सूट में अपियर नहीं करती है कोर्ट में, वहां पर भी ये अप्लाई हो सकता है, जिसे हम एक्स पार्टी बोल देते हैं ना, एक्स पार्टी जिसके एक ही फेवर में डिसीजन डाल दिया जाता है, तो रेस जुडिकाटा वहां पर भी अप्लाई हो सकता है। तो यहां पर अप्लाई क्यों नहीं हो भला, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इसको इंटरप्रिटेट करते हुए ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट इसमें फाइनली कह देता है कि हम इस अपील को अलाउ करते हैं और जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसको हम साइड में रखते हैं, और जो फर्स्ट वाले आर्बिट्रेटर थे दैट इज केजी गोविल, उनके डिसीजन को अपेल करते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा विल बी अप्लाई बिटवीन द को प्लेंटिफ्स, ये फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो दोस्तों केस आपके बिल्कुल सामने है, थोड़ी थोड़ी इसमें कन्फ्यूजन है कहीं कहीं कि, क्योंकि इसमें पहले अवार्ड किसने क्या दिया कैसे दिया, फिर इसमें ऑब्जेक्शन बहुत उठे, अपील बहुत की गई, तो आप इसका चार्ट बनाकर मतलब एक अपने सामने प्रेजेंट कर सकते हैं अपने कॉपी पेन में कि पहले क्या हुआ, फिर दूसरा अवार्ड क्या हुआ, तीसरा अवार्ड, मतलब एक तरह से एक डायग्राम टाइप बनाकर कैसे आप समझेंगे तो बहुत ईजिली आराम से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है देन प्लीज़ शेयर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।